ये मस्जिद असल में क्या जानते हैं, ये पावर हाउस है। क्या पावर हाउस है? सिटी में पावर सप्लाई के लिए, पावर इंजीनियर को पता है, पावर सप्लाई के लिए क्या करते हैं, पावर हाउस होता है ना, तो हर जगह पर वहीं से पावर सप्लाई होता है। ये मस्जिद याद रखिए मुसलमानों के लिए पावर हाउस है। आपको अकीदे का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। मनहज का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। इबादत का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। तौहीद का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। आपको इत्तिबाए सुन्नत का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। अखलाक के पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। हमदर्दी खैर सगाई की पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। ताउन और हेल्प चाहिए, यहां से मिलेगा। तालीम और तरबियत चाहिए, यहां से मिलेगा। नई नस्ल की हिफाजत चाहिए, यहां से मिलेगी। यहां से आपको आपकी बका मिलेगी, हिफाजत मिलेगी। हर तरह का पावर चाहिए, रूहानी, जिस्मानी, जाहिरी, बातिनी, अकीदा, अखलाक, किरदार, खैर सगाली, हमदर्दी, सदकात, खैरात, तालीम, तरबियत, कुरान, हदीस, अकीदा, मनहज, सब कुछ आपको मिलेगा इसी पावर हाउस से। अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان و امتنان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بنایا ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت ہے اسلام ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جس روز دین اسلام کو مکمل کیا
वैसे तो हर नबी का दीन दीन इस्लाम रहा, हर नबी ने अपने आप को मुसलमान कहा, लेकिन इस इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया है तो आखिरी नबी के जरिए से। हर नबी ने अपने बारे में अपने आप को मुसलमान कहा, उसकी दलील नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कहा कि मैं मुसलमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, उन्होंने कहा अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के लिए मुसलमान हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से जितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए सब उनकी नस्ल और उनके खानदान से हैं। चुनांचे याकूब अलैहिस्सलाम मौत के वक्त में सारे अपने औलाद को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया मा तअबुदूना मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत और बंदगी करोगे। उनकी सारी औलाद ने बैक जबान कहा नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइक, हम तो आपके और आपके आबा अजदाद के इलाह जो रब हकीकी हैं, माबूद बरहक अल्लाह हैं, उसी की इबादत करेंगे। और ये कहा वह नहनु लहु मुस्लिमून, हम सब उस अल्लाह के लिए मुसलमान हैं। हर नबी का दीन दीन इस्लाम रहा, मगर अल्लाह ने इस इस्लाम को मुकम्मल किया। आखिरी नबी हमारे और आपके नबी, सारी दुनिया के नबी, कायनात के नबी, जिन्नो इंसान के नबी हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत की तकमील कर दी है और दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया। इस इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया हमारे नबी के जरिए से और अल्लाह ने कहा नेमती, ये मेरी नेमत है। अल्लाह अकबर। हाजरीन, यही हमारे लिए बेशबहा नेमत है, इसकी हिफाजत अजहद जरूरी है और इसी के जरिए से अल्लाह तबरक ताला हमें बरकरार रखेगा। अल्लाह ताला को देखिए, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है। वो तो इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह ताला का बनाया हुआ दीन और निजाम है, अल्लाह ताला के पास ये है, ये रहा और रहेगा। मगर हमें इस्लाम की जरूरत है, हम अपने वजूद को बाकी रखने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें इस्लाम की जरूरत है, इस्लाम को हमारी कोई जरूरत नहीं है। आप और हम अपने आप की हिफाजत चाहते हैं, दीन इस्लाम में आ जाएं, इस्लाम की हिफाजत करें, इस्लाम की बका की फिक्र करें। और इस्लाम क्या है? इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। कुरान और हदीस को मना दे सलफ के मुताबिक समझने, उसके प्रचार करने और उस तरह का इल्म लेने देने अमल करने का नाम है इस्लाम। यही इस्लाम है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तुम फिरकों में मत बांट जाओ, इसलिए कि याद रखो ये अल्लाह की रस्सी कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस अल्लाह की रस्सी, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। आज का ये जदीद जमाने जाहिलियत क्या है? एक तो वो जमाने जाहिलियत कदीम ओल्ड डार्क एज गुजर चुका है, अभी ये जो न्यू और लेटेस्ट डार्क एजेस चल रहे हैं, याद रखिए, हां नहीं है जमाना उस जमाने से बढ़ के हैं। उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, कब? जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी, लड़कियां बड़ी हो जाती थी, चलने फिरने की उम्र को पहुंच जाती थी, तब ले जाके जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, वो भी सारे नहीं कुछ कबीले वाले। आपने वाकया सुना है कि बाप अपने नन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची को लेके जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं अब्बू जान, क्योंकि बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत उल्फत और लगाव होते हैं। बेटी ने बार बार कहा कि अब्बू जान कहां लेके जा रहे हो, कितनी दूर और चलना है? कहा कि बेटी चलो दावत में जाना है, कितनी दूर जाना, कितना दूर, कितनी दूर चल रहे हो? जंगल में लेकर पहुंचे, जंगल में पहुंचने के बाद खोदने लगे,
जमीन में गड़ा खोदने लगे। बेटी बार बार बाप से ये कह रहे हैं, अब्बू जान आप क्यों यहां गड़ा खोद रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत में मुझे तरस आ रहा है, पसीना पहुंच रही है बेटी। लेकिन संग दिल बाप देखो, गड़ा खोदने के बाद उस बेटी को गड़े में गिरा दिया। गिरते गिरते भी बच्ची अब्बू जान कह रही थी, लेकिन वो जमाना था देखो, ऊपर से उसको गिरा दिया गया और उसको दफन कर दिया गया जिंदा। याद रखो मेरे भाइयों, वो कदीम जमाने जाहिलियत था। अभी शहर बेंगलोर का वाकया है, पिछले दिनों का वाकया, एक महीना भी नहीं गुजरा होगा कि एक मुस्लिम इलाके में एक बहुत बड़े अपार्टमेंट से नौजाइदा लड़की, वो लड़की जो अभी अभी पैदा हुई थी, उसके बाद सही तरीके से उसको पाक साफ भी नहीं किया गया, उसको पाक साफ भी नहीं किया गया, उसकी अतड़ी को भी नहीं काटा गया सही तरीके से, ऊपर अपार्टमेंट से उसको गिरा दिया गया। बताओ कि कौन सा जमाने जाहिलियत ज्यादा सख्त है, वो जाहिलियत या आज की ये जाहिलियत। अभी अभी नौजाइदा लड़की अभी पैदा हुई है, उसको साफ भी नहीं किए, गिजा भी नहीं दिए, उसके जो है हुकूक भी अदा नहीं किए हो, और अल्लाह अकबर ऊपर के माले से तुमने गिरा दिया है। अल्लाह अकबर, बताओ ये जाहिलियत नहीं तो और क्या है? और क्या क्या मैं आपको बताऊं, आज के जदीद जाहिलियत की बातें, शिर्क बिदात और खुराफात सर चढ़ के बोल रहे हैं। यहां पर देखो जादुई करतब बहुत ज्यादा आम होते जा रहे हैं, इसी तरह से रस्म रवाज, अवाम और खुराफात और अंधे विश्वास की जो बातें हैं, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी लोग अंधविश्वास में मुबतला हैं। और याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसे अंधविश्वास की बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले भी हो जा रहे हैं। और वो जमाने जाहिलियत में जो बात थी, उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने भाई ब्रादरी कबीले दोस्त अहबाब की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। ये ना देखते थे कि ये जालिम है, ये हक पर है या बातिल पे है, अपने बिरादरी के आदमी हैं, अपने अपने हम मशरब, हम मनसब और हम ख्याल आदमी हैं, उसका सपोर्ट किया करो। याद रखो ये जाहिलियत की बातें हैं जो आज हम देख रहे हैं, इलाकाई असबियत और तासुबात, ये जमाने जाहिलियत की बातें हैं आज हम देख रहे हैं। इसी तरह से नबी के तरीके के छोड़कर गैरों के तरीके पे जाना, बुजुर्गों औलिया अंबिया और जो है दूसरे लोगों के तरीके पे जाना और अंबिया के तरीके को छोड़ देना, याद रखिए उस वक्त गुमराही आती है और इस्लाम से दूरी आती है। हाजरीन, इसीलिए इस इस्लाम की बका के लिए अल्लाह तबरक तआला के रसूल ने फरमाया, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, तिर्मिजी इब्ने माजा की सही हदीस है, नबी ने फरमाया, याति अलन्नास ज़मान, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, अस्साबिर अला दीनी, दीन पे मजबूती के साथ जमे रहने वाला ऐसा होगा, कल काबिद अलल जमरा, जैसे आग की अंगेठी को आग को हथेली में रखने के बराबर हो, आग को हथेली में रखते हुए जितनी तकलीफ होगी, आखिरी जमाने में फितने के दौर में दीन पर डटे रहना, दीन पर जमे रहना, दीन पर कारबंद होना, दीन पर अमल पैरा होना, ईमान और तौहीद और अकीदे की हिफाजत करना, सुन्नत रसूल पे अमल करना, सुन्नतों पर चलना, दीन के प्रचार करना, दीने मराकिस मसाजिद और मदारिस की हिफाजत करना, उतना ही कठिन और सख्त होगा। लेकिन याद रखो, वाकई माने में उस जमाने में जो दीन पर कार बंद हो, नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा तुम में से 50 का सवाब उनमें एक को मिलेगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। सहाबा ने ताज्जुब से कहा, अल्लाह के रसूल उनमें से 50 या हम में से 50? कहा कि नहीं जी, तुम में से 50 का सवाब उनमें से एक को मिलेगा, जो फितने के दौर में दीन पर डटे रहें, दीन के प्रचार करते रहें और दीन के मराकिस की हिफाजत करते रहें। और इतना ही नहीं, नबी ने फरमाया, अल इबादतु फिल हरज का हिजरतिन इलैया, हरज फितने के वक्त में अल्लाह के दीन की इबादत करना, अल्लाह के दीन पर चलना, अल्लाह की इबादत करना, वैसे है, नबी ने कहा, जैसे मेरे साथ मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर सवाब है। अल्लाह अकबर, हां कितना बड़ा सवाब है कि आखिरी जमाने पे दीन पे डटे रहना, दीन के मराकिज और मदारिस और दीनदार लोगों की सोबत इख्तियार करना, इनकी हिफाजत,
बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। और ये जो दीन की हिफाजत के लिए हमें क्या करना है, आज दुश्मनान इस्लाम आलमी सतह पर हो, मुल्क की सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो, इलाकाई सतह पर हो, पूरी तरह से मुनज्जम तरीके से दीन के मराकिस और दीन के जो मंबा है, मरकज सेंटर किले हैं, इनको मुनज्जम तरीके से साजिश के तरीके से ढाने और मुनहदिम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम उम्मत मुस्लिमा अभी भी सो रहे हैं, ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, अभी भी हमें एहसास नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत और स्टेटस को उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद अपने आप को बदल ना ले। आपको बदलना पड़ेगा। सब बदलेगा तो मैं बदलूंगा, बदलेगा जमाना तो आप बदलेंगे नहीं, बल्कि आपको बदलना पड़ेगा। आप अपने जात से शुरू किया करो, तभी जाके ये बात होगी मेरे भाइयों, वरना अल्लाह ताला हमारी हालतों को नहीं बदलाएगा। हाजरीन, दीन की हिफाजत बहुत जरूरी है, यही हमारा सारा सरमाया है, इसी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है और इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें वजूद बख्शा है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, इंसान और जिन्नात को मैंने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और इबादत भी तौहीद के साथ, और ये तौहीद की हिफाजत, इबादत की हिफाजत अजहद जरूरी है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजते वक्त अल्लाह ताला ने अपने रसूल को यह पैगाम दिया जो मैंने खुतबाए मसूना के बाद आयतें पढ़ी है। नबी ने दीन की हिफाजत कैसे किए, दीन का प्रचार कैसे किए, उसके लिए आपने किसको मरकज और मंबा बनाया? आओ बातें सुन ले गौर से। अल्लाह ने फरमाया और सूरह जुमा में ही यह है, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम। वही अल्लाह जिसने उन्हीं में से इंसानों में अरबों में एक रसूल को भेजा। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम, क्या करते हैं, यतलु अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, उनको पाक साफ करते हैं। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। यकीनन वो लोग नबी के आने से पहले कुरान और हदीस की तालीमात से पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे, इस्लाम इनको पता नहीं था, अकीदे के बारे में कोसो दूर थे, अकीदा और मनहज से वो मुंह मोड़े हुए थे, अखलाक क्या था उनको पता नहीं था, अरब के लोग हर एतबार से बहुत दूर थे, जाहिलियत के ये लोग थे। नबी ने क्या किया, उनकी तरबियत की, उनका तस्किया किया, उनको पाक और साफ किया, शिर्क और बिदअत और खुराफात से पाक और साफ किया है, अवहाम बातिल एतकादात से पाक और साफ किया है, और अंधे विश्वास से उनको पाक और साफ किया है, जुल्म ज्यादती से पाक और साफ किया है, चोरी डकैती जिनाकारी राजनी और इसी तरह से शराब नोशी हर तरह की बुराइयों से, चाहे वो अकीदे की बुराई हो, अखलाक की बुराइयां हो, हर एक से उनको पाक साफ किया है। कैसे पाक साफ किया है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम के जरिए से, किताब और हिकमत, किताब क्या है कुरान, हिकमत क्या है हदीस, कुरान और हदीस की तालीमात के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फैलाया, इसको आगे बढ़ाया है, और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को मरकज बनाया, सेंटर बनाया, दरसगाह बनाया, मदरसा बनाया, मकतब बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, अदालत बनाया, एक लफ्ज में कहा जाए तो आपने इसको कम्युनिटी सेंटर बनाया, और यहीं से कुरान को फैलाया, हदीस को फैलाया। हदीस हमारे पास जो आती है असाबे सुफा, आज भी वो सुफा चबूतरा मौजूद है जहां आपके साहबा इकराम आपसे हदीस सीखते थे, कुरान सीखते थे, उनको लिखते थे, याद करते थे, अल्लाह अकबर, वहीं से इल्म आया हुआ है मेरे भाइयों। इसकी हिफाजत इसी में होगी, इल्म, इसीलिए इस्लाम का पहला पैगाम है इक़रा, इक़रा पढ़ो, नबी को तालीम दी गई है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्म हासिल करो, इल्म इकरा, अल्लाह अकबर। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने का जो मीडिया था, स्टेज था, उसका इस्तेमाल किया है, और वो है सफा की पहाड़ी। उस जमाने में मक्के में अगर कोई अहम बात किसी को बताना हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो, तो कम्युनिकेशन के लिए यही मीडिया था, यही जरिया था, यही स्टेज था। सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर कपड़े निकाल के कहते थे, अनन नदीरुल ओरियान, मैं नंगा डराने वाला, लोगों आ जाओ अहम बात बताना है। सब लोग सारे काम धाम छोड़ के जमा होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने यह पैगाम दिया, फस्दा बिमा तो अमर, अय अल्लाह के रसूल, जो हुक्म आपको मिला है, अलल ऐलान डंके की चोट कहां करो, इसका प्रचार किया करो, कुरान हदीस की तबलीग किया करो। अगर आपने कुरान हदीस की तबलीग नहीं की तो आपने तबलीग का हक अदा नहीं किया। आपने क्या किया है उस जमाने में, सफा की पहाड़ी, स्टेज, मीडिया का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन मीडिया की गलतियों को आपने छोड़ दिया। आप कपड़े नहीं उतारे, कपड़े नहीं उतारे, आपने कहा अना नदीरुल मुबीन, मैं नंगा नहीं, मैं खुला डराने वाला, लोगों आ जाओ जमा हो जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जमा कर लिए। जमा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, इसको जरा गौर से सुनिए और जरा अपने जमीर को टटोल के सुनिए। नबी ने, नबी ने, नबी ने अकीदा तौहीद से पहले अपने अखलाक को पेश किया, अकीदा तौहीद से पहले अपने अखलाक को पेश किया। दाई मुबल्लिग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अखलाक को किरदार अच्छे हो, हमारी जबान अच्छी हो। याद रखिए, जिसके अखलाक अच्छे ना हो, उसकी दावत, उसकी तबलीग, उसका अकीदा, उसका मनहज, उसका तौर तरीका फैलता नहीं, इंसान कबूल नहीं करते, उसके बिदक के भाग जाते हैं। आप अच्छी बात कह रहे हो, हक बात पहले से कड़वी है, अंदाज भी कड़वा हो तो करेला नीम चढ़ा होगा। इसलिए अच्छे अंदाज में नबी ने कहा, लोगों बताओ, तुम्हारे दरमियान मेरी जिंदगी के 40 साल के 40 पन्ने हैं, उन पन्नों में तुमने कोई गलती देखी है, कोई चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराबनोशी, धोखा देना, झूठ कहना, कुछ देखा है? सबने कहा कि नहीं। फिर उसके बाद नबी ने दात तौहीद पेश किया, नबी ने उस जमाने का मीडिया इस्तेमाल किया। आपको भी चाहिए आज के जमाने का मीडिया इस्तेमाल करो, मीडिया की गलतियों को छोड़ो। नौजवानों, आज तुम जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका गलत इस्तेमाल और इस्तेहसाल करते हो, सही इस्तेमाल करो, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। नबी ने उस जमाने का सही इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ आपने जहां पर सफा की पहाड़ी को स्टेज बनाया, मीडिया बनाया, साथ ही साथ आपने मस्जिद नबवी को बनाया है। आप हज के मौसम पे मीना जाते, लोगों के गैदरिंग में जाके उनको समझाते, मक्के में आते, आकर काबे के पास समझाते, लोग आपको तकलीफ देते, परेशान करते, फिर भी आपने छोड़ा नहीं। और उसके बाद सबसे अहम जरिया है, और आज के जमाने के एतबार से याद रखिए, आज ऐसे एजुकेशन पॉलिसियां बन रही है और ऐसे ऐसे कानून नाफिज हो रहे हैं कि आज स्कूलों में सिर्फ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे बच्चों को, तो याद रखिए उसका ईमान स्पेन और तुर्क के मुसलमानों का ईमान हो जाएगा, उसका ईमान अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान के, जो जहां एक जमाने में बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, फुकहा पैदा हुए थे, आज वहां के लोग नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। आज सोची समझी साजिश के तहत यहां पर भी कोशिश हो रही है कि सिर्फ आप अगर स्कूल कॉलेजों में पढ़ोगे, पढ़ाओगे और अपने बच्चों को पढ़ाओगे, वो बेदीन बन जाएगा, एथिस्ट बन जाएगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप दीन के इन मराकिस और मदारिस, मसाजिद, सेंटर और इन इदारों को मजबूत करें और यहां से दीन की बुनियादी तालीम दिया करें हाजरीन। और उसके लिए आज हमारे पास बचा है मस्जिद, मस्जिद ही बची हुई है। यहां से आप मकातिब का निजाम ऐसे बनाया करो, इतने बेहतरीन अकीदा और मनहज कौले दिमाग में डाला करो,
बच्चों के वो कौले दिमाग में कोरे कागज में पत्थर की लकीर की तरह बिठा दो, घोल घोल के पिला दो। और याद रखिए, मकातिब में पढ़ाने वाले आप अपने आप को यूं ही बेकार और जो है हकीर ना समझे। आपका बड़ा ऊंचा मुकाम है, आप बेसो बुनियाद हो, आप कदर करो और इन बच्चों की नेमतों को आप समझो। आप आइंदा के मेमार हो, आप आइंदा की बुनियाद रख रहे हो, और कदर करो कि ये बुनियाद की ईंटें जो हमारे पास मकतब में बच्चे हैं, बुनियाद की ईंटें हैं। अगर ये ईंट फुसफुसी हो जाए, याद रखो कल के दिन हम भी जिम्मेदार होंगे, हम भी जिम्मेदार, जिम्मेदार भी जिम्मेदार, असातिदा भी जिम्मेदार, माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे, और ये नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। याद रखो मेरे भाइयों, इसलिए बहुत जरूरी है मसाजिद को आप मजबूत करें, यहां के निजाम को मजबूत करें। और यही से तो अल्लाह के रसूल ने सारी चीजों को फैलाया। अल्लाह अकबर। मस्जिद के साथ मोमिन का ताल्लुक ऐसे होता है जैसे मछली का ताल्लुक पानी से है। मछली का ताल्लुक पानी से है, पानी के बगैर मछली तड़प जाती है, बिलक जाती, सिसक जाती है। मस्जिद के बगैर मोमिन जिए वो कोई जिंदगी है? वो कोई जिंदगी है? वो तो बेकार की जिंदगी है, वो मुर्दे की जिंदगी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मसाजिद की जो मसाजिद को आते हैं आबाद करते हैं और मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईमान की गवाही देते हुए फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वो इंसान जो मस्जिदों को तामीर करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, वही अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौमे आखिरत पर ईमान रखते हैं, और वही गोया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा याद भी करते हैं। हाजरीन, याद रखिए, ईमान की अलामत है ये। मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लो, मस्जिदों से रिश्ता कायम कर लो और मस्जिदों को बनाया करो। अल्लाह अकबर। सलफ सालिहीन, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, हम जब सलफ कहते हैं तो अंबिया और सहाबा मुराद हैं। ये लोग अपने घरों को आबाद करने से पहले मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को आबाद करते थे। समझ में नहीं आया? फिर सुनिए। अपने घरों को सलफ सालिहीन, अंबिया, सहाबा, ताबेईन, खैरुल कुरून के जो अफराद थे, अपने घरों को आबाद करने से पहले अल्लाह के घरों को आबाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला घर काबा, इन अव्वल बैत वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो घर जो दुनिया का पहला घर है जो मक्के में है, आदम अलैहि सलाम ने बुनियाद रखी। अपने घर अभी उसका पता ही नहीं, लेकिन अल्लाह के घर की बुनियाद रख दिए। फिर नूह के तूफान में वो घर जब ढह गया, उसके बाद खलीलुल्लाह इब्राहिम और सबीहुल्लाह इस्माइल बाप बेटे ने मिलके अपने घर का आता पता नहीं, लेकिन पहले अल्लाह के घर की तामीर किए हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो अजमत वाला मुकाम और घर है, मस्जिद है, वो है बैतुल मक़दिस। उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अपने घर से पहले उसकी तामीर फरमाई है। और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, मदीना आके अपना घर का अता पता नहीं है, सहाबा मुहाजरीन का अता पता नहीं है, कहीं कहीं से जो है मुआखात भाईचारगी करा दिए, जाओ किसी तरह से रह लो। एक महीने का वक्त नहीं गुजरा, मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं, हिजरत के बाद एक महीने का वक्त नहीं गुजरा, आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और मदीना आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में ठहरे। मदीना आने से पहले मदीने से बाहर एक गांव है कुबा, आज मस्जिद कुबा है, वहां पर आप चंद दिन कयाम किए। और चंद दिन कयाम के दौरान आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख की पहली मस्जिद बनाई है, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, देखो मस्जिद की अहमियत देखो। अभी आप सफर में हैं, पता भी नहीं अपने घर का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद की तामीर किए हैं, मस्जिद कुबा। और अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा में, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूमा फी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई, ये मस्जिद कुबा है। कहा कि आप उसमें आप हक रखते हैं कि ज्यादा वो मस्जिद हक रखती है, आप ठहरें वहां जाएं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता वहां जाया करते थे, हर हफ्ता वहां जाया करते थे।
और वहां जाकर नमाज पढ़ा करते थे। और नबी ने कहा मदीने में रहकर अगर तुम उम्रे का सवाब चाहते हो, वजू करके मस्जिद कुबा जाओ, दो रकात नमाज पढ़ो, तो एक उम्रे का सवाब तुमको मिल जाए। अल्लाह अकबर। यह है मसाजिद का मुकाम मेरे भाइयों। सलफ सालिहीन अपने घर से बढ़ के मस्जिद की अहमियत को समझते थे और उसकी तामीर तौसी और उसको आबाद करने में हिस्सा लिया करते थे। हाजरीन, ये मस्जिद असल में क्या जानते हैं? ये पावर हाउस है। क्या पावर हाउस है? सिटी में पावर सप्लाई के लिए, पावर इंजीनियर को पता है, पावर सप्लाई के लिए क्या करते हैं? पावर हाउस होता है ना, तो हर जगह पर वहीं से पावर सप्लाई होता है। ये मस्जिद याद रखिए मुसलमानों के लिए पावर हाउस है। आपको अकीदे का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। मनहज का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। इबादत का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। तौहीद का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। आपको इत्तेबाए सुन्नत का पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। अखलाक के पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। हमदर्दी खैर सगाई की पावर चाहिए, यहां से मिलेगा। ताउन और हेल्प चाहिए, यहां से मिलेगा। तालीम और तरबियत चाहिए, यहां से मिलेगा। नई नस्ल की हिफाजत चाहिए, यहां से मिलेगी। यहां से आपको आपकी बका मिलेगी, हिफाजत मिलेगी। हर तरह का पावर चाहिए, रूहानी, जिस्मानी, जाहिरी, बातिनी, अकीदा, अखलाक, किरदार, खैर सगाली, हमदर्दी, सदकात, खैरात, तालीम, तरबियत, कुरान, हदीस, अकीदा, मनहज, सब कुछ आपको मिलेगा इसी पावर हाउस से। यह है पावर हाउस, याद रखो मेरे भाइयों। आज बहुत जरूरी है कि आज आप इस पावर हाउस को मजबूत किया करें। यहां से आप हर तरह के पावर सप्लाई किया करें, अपनों में, गैरों में, सब में। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर की आयतुन नूर में, नूर एक पावर है ना, नूर ही पावर है ना, बिजली। सूरतुन नूर आयतुन नूर के बाद अल्लाह के नूर का तस्किरा है। अल्लाह नूर समावाती वल अर्द मसल नूर ही का मिश्कात। अल्लाह ताला आसमान और जमीन के नूर है। अल्लाह के नूर की मिसाल दिए आयतुन नूर में, सूरतुन नूर में। आयतुन नूर के बाद अल्लाह ताला ने नूर का मरकज, पावर का मरकज का तस्किरा किया। और वो क्या है? अल्लाह के घर। फी बुयूतिन आदिन अल्लाह अन तुरफा, अल्लाह के उन घरों के बारे में अल्लाह ने कहा उनका मुकाम और मर्तबा ऊंचा करो, अल्लाह के घरों का नाम रोशन करो, अल्लाह के घरों का नाम रोशन करो। यहां से पावर सप्लाई किया करो, यहां से नूर का मरकज बनाया करो। अकीदे का नूर, तौहीद का नूर, ईमान का नूर, अखलाक किरदार के नूर, हर तरह के नूर यहां से फैलाया करो, यहां से सप्लाई किया करो। याद रखिए मेरे भाइयों, बहुत जरूरी है कि हम मस्जिदों को नूर का मरकज बनाएं, पावर सेंटर बनाएं, कम्युनिटी सेंटर बनाएं, और अपने घर से ज्यादा अल्लाह के घरों की फिक्र किया करें। यह बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। यहीं से आज हम अपने नस्ल नौ की हिफाजत और उनकी बका, इस्लाम और ईमान की हिफाजत, कुरान और हदीस की तालीम और तदरीस की हिफाजत, नशोशात की हिफाजत हम यहीं से कर सकते हैं मेरे भाइयों। बहुत जरूरी है हालात में हम मसाजिद के किरदार को समझें। हर जमाने में इसका बड़ा रोल रहा है, अहम किरदार रहा है मेरे भाइयों। और अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करना इसके लिए जरूरी है। देखिए इब्तिदाई दौर की बात है, अभी मक्के में मुसलमान कमजोर थे, मजबूर थे, गरीब थे, लाचार थे। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने की जगह नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह ने कहा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और मोमिन मुत्तकी जन्नती लोगों के औसाफ बताए गए हैं। कहा कि देखो वसारियो इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नत, अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तरफ लपको, आगे बढ़ो। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत अर्दुहस समावात वल अर्द व इद्दत लिल मुत्तकीन, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन जैसी है, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है। मुत्तकी कौन है? अल्लादीना युन्फिकून, पहली सिफत है अल्लादीना युन्फिकून फिस्सर्रा व दर्रा, वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अच्छी हालतों में भी, बुरी हालतों में, तंगहाली में,
تنگ دستی میں اور خوشحالی میں بھی جیسے اپنی سہولت ہو اپنے بساط کے حد تک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کتنا دیا ہے, اللہ یہ دیکھتا تم نے کیسے دیا ہے. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے, اللہ کوالٹی دیکھتا ہے, دل کی حالت کو دیکھتا ہے. ایک پریشان حال, میں تو کہتا ہوں ذمہ داروں کہ یہ جو 5 روپے کے کوائنز ہیں نا, اس کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھو, دینے والا جو 5 روپے دیا ہے تو سوچو کہ وہ کتنے اس کے مالک ہے. وہ بہت کم کے مالک ہے, پھر بھی 5 روپے دیا ہے نا, یہ 5 روپیہ نہیں, آپ اس کو 5 لاکھ سمجھو. یاد رکھیں میرے بھائیو, اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں. اور سب سے بہترین جگہ, سب سے بہترین جگہ ہے مسجد. اللہ اکبر. آپ میں سے کون کون ہے جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننا چاہیں گے؟ کیونکہ میں آپ کے سامنے شہر کے ایک بہت اہم مسجد, مسجد رحمانی, مسجد رحمانی جو واقعی معنی میں ایک نور کا مرکز ہے, ایک پاور ہاؤس ہے, ایک کمیونٹی سینٹر ہے, شہر کے قدیم مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کے ہمہ جہتی خدمات سے آپ واقف ہیں. الحمدللہ وہاں کے مختلف علماء کے خطبات, دروس, اور وہاں کے مختلف طرح کے علمی دورے, اور مختلف طرح کے الحمدللہ جو دینی, تعلیمی, دعوتی, رفاہی, اصلاحی خدمات اور سرگرمیاں ہیں آپ جانتے ہیں. اور اس علاقے میں جو مسلم کثرت, مسلم میجورٹی اور مسلم کی کثرت آبادی والا علاقے میں الحمدللہ اس زمانے میں واحد مسجد تھی, کافی خدمات انجام دیے. اور مسجد کے مصلیوں کی تعداد میں اضافہ کی باعث اور کافی قدیم عمارت ہونے کے باعث اس کو شہید کر دیا گیا, اب جانتے ہیں. آج مسجد کا وجود نہیں ہے, مسجد رحمانی کچھ نہیں ہے, ایک در و دیوار کچھ نہیں ہے, ایک دم زمین ہے. اور اس کے لیے 12 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, کوئی معمولی نہیں ہے. زمین چھوڑ کے صرف تعمیر کے لیے, تعمیر کے لیے ایک بہترین مسجد بنے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے, کیونکہ کوئی دوسرے ذریعہ اور سورسز تو آج بہت مشکل ہے, آپ جانتے ہیں. آپ کے پاس آئے ہیں, اور میرے خیال سے شہر میں شاید خلیل اللہ میں پہلا چندہ ہو رہا ہے, کسی اور جو ہوا ہوگا میرے علم کے مطابق شاید کہ یہاں پر پہلی بار وہ آئے ہیں. بہت امید لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں. مسجد رحمانی مکمل شہید ہے, اور اس کے بعد اب نصر نو اس کی تعمیر اور بنیاد رکھنا ہے. رمضان قریب ہے اور پلان ایکسپائر ہونے والا ہے. ایسے حالات میں بہت مجبوری کے ساتھ جماعت, جمعیت کے افراد کے پورے ہر طرح سے ریکمنڈیشن کے بعد آپ کے پاس پہنچے ہیں. خود آپ جانتے ہیں کہ مسجد خلیل اللہ کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, یہی جو چندہ اسی سے ہی چلتی ہے مسجد, اور اس کے بھی اخراجات ماہانہ 2.5 لاکھ کے آس پاس میں ہیں. یاد رکھیے, اس کے باوجود بھی دل بڑا کر کے ایک دوسرے کا تعاون اور ہمدرد کرنا, یہی تو مسلمان کا شیوا ہے. آپ کے کام دوسرے آئے, آپ بھی دوسروں کے کام آؤ, یہی تو بہت ضروری ہے میرے بھائیو. مسجد رحمانی کی تعمیر کا کام کے لیے آپ کو تعاون کرنا ہے. انہوں نے بہت گزارش یہ کی ہے کہ کم سے کم پہلا روف مسجد خلیل اللہ کی مصلیوں کے ذریعے سے ہو جائیں. انشاءاللہ آپ نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ تعاون کرنے والا ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہمارے مسجد خلیل اللہ کے مصلیوں میں کوئی بڑے بڑے مالدار نہیں ہیں, لیکن جو ہیں بہت گنے چنے مالدار, لیکن دلدار بہت ہیں. الحمدللہ دلدار بہت ہیں, اور یہاں کے دلداری اور اخلاص کا ہی نتیجہ ہے الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ برکت دے دیتا. میں تو کہتا اللہ برکت دے دیتا ہے, یہ ہمارے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل و کرم, اللہ کی طرف سے برکت ہے. حاضرین آپ تہیا کر لیں, ارادہ کر لیں. اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا, آپ میں سے کون کون ہے جو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پڑوسی قیامت کے میدان میں, سورج قریب آ جائیں, پیاس کے مارے تڑپ جائیں, اللہ کے سوا کسی کا کچھ نہ چلے, ایسے وقت میں اللہ کے پڑوسی بننا کتنی خوش نصیبی ہے. اللہ کے رسول, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہی تو کہا کہ صاحب فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے, اللہ تیرے بھی کوئی پڑوسی ہے؟ کہیں گے ہاں. اینا عمار المساجد, اینا عمار المساجد, مسجدوں کو تعمیر کرنے والے,
मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेने वाले, मस्जिदों में आके नमाज पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले, गर्ज मस्जिद की तामीर और तौसी में हिस्सा, मस्जिद में आकर इबादत करना, मस्जिद को आबाद करने वाले कहाँ हैं? मस्जिद को आबाद करने वाले मेरे पड़ोसी हैं, उनको ढूंढ के लाओ। कयामत में सारे लोगों के सामने इनको ढूंढ के लाया जाएगा, अल्लाह के पड़ोसी बनने का शर्फ हासिल होगा। और मैंने कहा कि अल्लाह ताला दिल की हालत को देखता है। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी मस्जिद तुम्हें बना नहीं सकता है। नबी ने फरमाया वलौ कमिफासी कतात, अगर कोई इंसान कबूतर के घोंसले के बराबर मस्जिद में हिस्सा लेता है, कबूतर का घोंसला कितना है बड़ा है उतना हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में महल बना देता है। जन्नत के महल के लिए आपके सामने मौजूद है महल बनाने के लिए, आप जन्नत हासिल करने के लिए। और मस्जिद से जन्नत के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, यहां आने जाने वाले, यहां के इमाम, यहां के मुअज्जिन, यहां के मुसलियान, यहां इबादत करने वाले, अल्लाह अकबर, कल कयामत के मैदान में जन्नत में दाखिल होंगे। बहुत सारे रास्ते यहीं से निकलते हैं। जन्नत के रास्ता चाहते हो मस्जिद में आया करो, और यहां इस्लाम की हिफाजत और बका भी है, तालीम और तरबियत भी है, और इसीलिए बहुत जरूरी है हम मस्जिदों की तामीर और तौसी में, मस्जिद को आबाद करने में कसरत से हिस्सा लिया करें। आपसे आखिर में फिर गुजारिश है कि आप मस्जिद रहमानी मुस्लिम कॉलोनी शहर के कदीम और अहम मस्जिद की तामीर और तौसी के काम के लिए हिस्सा लेते जाएं। अल्लाह तबरक तआला आपके दी हुई माल को कबूल फरमाए, बकिया माल में बरकत दें, सेहत व आफियत के साथ रखें, और सदका तो खैरात से मुसीबतें टलती हैं, बीमारियों से शिफा मिलती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहा कि मेरे घुटने में जमाने का जख्म है, सूख नहीं रहा है। कहा कि जाओ जाकर किसी जगह पर कुआं खोद दो। कुएं से पानी आना शुरू हुआ या जख्म से खून रिसना पीप रिसना बंद हो गया। नबी ने फरमाया दाऊ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो, मुसीबतों को टालो, अल्लाह के गज़ब गज़ब को मिटाता है सदका तो खैरात, और बुरी मौत से बचाती है सदका खैरात, और कल कयामत के मैदान में साया बन के आएंगे हमारे सदका तो खैरात। इसलिए आप अल्लाह के रास्ते में खर्चा करें, बिसात भर जो जैसे कर सकते हैं, अभी आप नियत कर ले, लिखा दे, बाद में थोड़ा थोड़ा करके पे करें, मटेरियल देना चाहे दे दें, जो भी अपनी सहूलत से, आप आज नियत करके लिखा दोगे, आज इसे आपकी नियत का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप दोगे, एक साल तक आहिस्ता आहिस्ता अदा करोगे, लेकिन आज आपने लिखा दिया 1 लाख, आपको आज इसे 1 लाख का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं बाद में देता रहूंगा, आज आपने 10,000 दिया है, आज आपको 10,000 का सवाब मिलेगा, 1 साल के बाद 10,000 तो 10,000 का ही मिलेगा। इसलिए नियत करके अभी से लिखा दो, अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर लो, अल्लाह ताला सवाब देगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कैसी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन और ईमान अहल अयाल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह ताला फलस्तीन की मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। जालिमों से अल्लाह तो काफ़ी हो जाना, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाना। अल्लाह दीन के ये मसाजिद मराकज मदारिस उलामा दुआत मुबल्लिगीन और दीन के नाम पर जो काम कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की तो हिफाजत फरमाना। अल्लाह ताला इनको खैर बरकत से नवाजना। अल्लाह ताला जो लोग दीन दीन इस्लाम के दर पे हैं, अल्लाह तो उनको हिदायत देना, वरना तो अल्लाह उनसे तो काफ़ी हो जाना, और जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना। जब तक दुनिया में रखना, ईमान अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, सबके दिलों की जायज मुरादों को तमन्ना को पूरा फरमाना, कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा के कल हशर के मैदान में नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमाना, नबी की शफात और रफाकत के हकदार बना के जन्नतुल फिरदाउस के आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाना। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।